नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाएं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि अभी तक जो हमारा जो करंटली जो वीडियोस जो आपके चल रहे हैं, तो हमने डेटा प्रोसेसिंग की जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कवर कर ली है। उसी का पार्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमने कर लिया कम्प्लीट, उसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी मैं आपके लिए और स्पेशल क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो बेसिकली एक मॉक टेस्ट होगा आपका ऑन पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट जो टॉपिक है उस पे आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हम साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको हम अभी करेंगे उसका पीडीएफ भी आप हमारे जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है codingexpert.com, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। कौन सी स्लाइड जो बेसिकली यूज की जा रही है एज ए टॉपिक, टॉपिक के हिसाब से कि जिस भी स्लाइड इंट्रोड्यूस आपको उसके टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करती है कि ये स्लाइड पर्टिकुलर इस चीज से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा टॉपिक है और कौन सी स्लाइड को, क्या स्लाइड बोलते हैं उसको जो उसके टाइटल को रिप्रेजेंट करती है, एक तरीके से कि इंट्रोड्यूस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती है। तो ये सिंपल सा एक क्या है कि जब भी हम कोई भी स्लाइड देखते हैं तो टॉपिक हमेशा उसके ऊपर लिखा जाता है, तो उस टाइप की जो स्लाइड है उसको कौन सी स्लाइड हमें कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड। अब जब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टॉपिक और उसका किस तरीके से टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए जो सेट टोन सेट की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो कौन सी स्लाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया टेबल स्लाइड। अब जब टेबल स्लाइड की जब भी हम बात करते हैं तो टेबल स्लाइड में क्या होता है कि टेबल इंक्लूड होती है आपकी, रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई टेबल होती है। तो यहाँ पे रो और कॉलम टेबल की हम बात नहीं कर रहे, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो टेबल स्लाइड तो आपकी ये हो नहीं सकती। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस होगा, मतलब गलत होगा। उसके बाद में ग्राफ स्लाइड, ग्राफ स्लाइड किस लिए यूज हो रही है, बेसिकली ग्राफ को इंक्लूड करने के लिए ग्राफ स्लाइड यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे भी ग्राफ हम कोई यूज नहीं कर रहे, तो इस वजह से ग्राफ स्लाइड भी आपका यूज नहीं होगा। बुलेट स्लाइड जो है वो बेसिकली बुलेट्स को इंक्लूड करने में की जाती है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है वो आपके इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, फर्स्ट थ्री ऑप्शन तीनों के तीनों ही क्या है, रॉन्ग है। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज टाइटल स्लाइड, तो किसी भी जो स्लाइड के बारे में टॉपिक जो लिखा जाता है वो उसका टाइटल ही होता है, वो उसका क्या होता है, टाइटल ही होता है। तो उस स्लाइड को हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड ही बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड ही बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, डी इसका राइट आंसर है कि ऐसी स्लाइड जो आपको इंट्रोड्यूस करती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, प्रेजेंटेशन की आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड है, वो उसका टॉपिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। क्या बोलते हैं उसको, टाइटल स्लाइड बोलते हैं। तो डी जो ऑप्शन है वो इसके लिए राइट आंसर होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर यूज, इनमें से कौन सा फीचर हम यूज करेंगे व्हेन टाइपिंग द नोट्स, व्हेन द टाइपिंग द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप नोट टाइपिंग करोगे तो इनमें से कौन सा फीचर आपका वहां पे यूज आ सकता है। पहला है स्लाइड शो, तो टाइपिंग का और स्लाइड शो का कहीं रिलेशन नहीं है, स्लाइड शो बेसिकली जो आपकी स्लाइड्स है उनको मोशन कराने में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम स्लाइड शो तो आपका ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, हमें क्या करना है, टाइपिंग करना है, तो इट इज द रोंग आंसर। उसके बाद में इंसर्ट, इंसर्ट जो यूज किया जाता है, इंसर्ट यूज करने का रीजन क्या है कि इंसर्ट भी आपका कोई भी चीज, ग्राफ हुआ, कोई टेबल हुई, कोई इमेज हुई, कोई शेप हुआ, उसको इंसर्ट करने में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो इंसर्ट ऑप्शन है वो भी आपका यूज नहीं होएगा, क्योंकि इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर कोई भी चीज को इंसर्ट करने के लिए, हमें टाइप करना है नोट्स और वो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर क्या करता है, स्लाइड मास्टर कंट्रोल करता है सारे स्लाइड्स के लेआउट्स को,
उनके बैकग्राउंड स्कोर इनको, तो स्लाइड मास्टर भी यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं होगा, इट इज ऑल्सो रोंग आंसर। लास्ट आपका बचता है जूम फीचर। अब जब जूम फीचर क्या करता है कि आप जो भी टाइपिंग करते हो वो उसको जूम कर देता, लार्ज कर देता ताकि आपको क्लियर दिखे, या आप उसको चाहे तो जूम इन जूम आउट दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइपिंग बॉक्स में टाइप करने के लिए जो फीचर यूज किया जाता है वो जूम ही वहां पे एक्सेसिबल होता है, जूम फीचर ही आप वहां पे यूज कर सकते हो। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट जूम। क्या आंसर होगा? डी पार्ट जूम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जूम। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेलेक्ट लाइन कर फ्री फॉर्म और स्क्रबल टूल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है क्या सेलेक्ट करने के लिए? लाइन सेलेक्ट करने के लिए, कर्व सेलेक्ट करने के लिए, फ्री फॉर्म और स्क्रबल टूल सेलेक्ट करने के लिए, इनमें से कौन सा आपको जो ऑप्शन है वो अलाउ करता है? पहला है क्रिएट इफेक्ट, इंसर्ट मोशन पाथ, ड्रॉ कस्टम पाथ और ऑफ अब। ये चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको लाइन सर्व करनी है, आपको कर्व वहां पे इंक्लूड करना है, आपको फ्रीडम और स्क्रबल टूल्स भी आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिएटिव इफेक्ट। तो क्रिएटिव इफेक्ट क्या होता है? क्रिएटिव इफेक्ट बेसिकली आपको अपनी जो भी स्लाइड है उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्टिव बना सकते हो, चाहे वो कर्व के थ्रू बनाए आप, चाहे वो लाइन के थ्रू बनाए, कैसे भी आप वो बना सकते हो। तो क्रिएटिव इफेक्ट भी वहां पे आपको ऑप्शन मिल सकता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। इसी के साथ इंसर्ट मोशन पाथ, मोशन पाथ जो है वो बेसिकली आपके किस लिए यूज किया जा रहा है? एक डिफरेंट डिफरेंट लाइन या फ्रीडम या स्क्रिबल टूल के थ्रू आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो इंसर्ट मोशन पाथ भी ऑप्शन हो सकता है। ड्रॉ कस्टम पाथ, कस्टम के थ्रू आप ड्रॉइंग करके कस्टम के थ्रू बनाना चाह रहे हो लाइन, कर्व, फ्रीडम या टूल्स, तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। एंड द फोर्थ इज ऑल द अबव। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो डी ही पार्ट होगा, ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारी चीजें किससे बनी जा सकती है, अलाउ करती है, इन सभी में ये सारी चीजें आपको अलाउ होता है, लाइन, कर्व, फ्रीडम, ये सब। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इसके लिए राइट आंसर होगा आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड ए स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मतलब आपके पास पहले से प्रेजेंटेशन है और आप उसके अंदर कोई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस इसमें आपके सामने रहेंगे? पहला है फाइल, ऐड ए न्यू स्लाइड। फाइल में जाके आप ऐड ए न्यू स्लाइड करोगे तो आपको कभी भी फाइल के अंदर ऐड ए न्यू स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलता, वो एक न्यू स्लाइड, पूरी न्यू प्रेजेंटेशन ही आपको इंक्लूड करता है, नॉट ए ओनली स्लाइड, पर्टिकुलर कोई स्लाइड इंक्लूड नहीं करता है। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा। इंसर्ट न्यू स्लाइड, इंसर्ट के अंदर न्यू स्लाइड पे आप जाके क्लिक करोगे तो वो आपको जरूर ऑप्शन देता है एक न्यू स्लाइड को ऐड करने का आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसमें जो बी पार्ट है वो ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको वहां से इंसर्ट न्यू स्लाइड में जाके आप कर सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर है। सी पार्ट देखते हैं, फाइल और ओपन, तो ओपन करने के लिए यूज होता है, फाइल और न्यू, न्यू फाइल के लिए यूज होता है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन इसमें होंगे नहीं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए जो राइट आंसर है वो है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आपका चार्ट की जो साइज होगी, द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है? इज डिटरमाइंड द प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड कैन नॉट बी चेंज, इज डिटरमाइंड बाई द प्रेजेंटेशन डिजाइन बट कैन बी चेंज इन पावर पॉइंट, इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब बात कर रहा था साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चार्ट ऑब्जेक्ट है उसकी साइज किस पे डिपेंड करती है। तो पहला ऑप्शन इसमें डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड कैन नॉट बी चेंज, आपका जो चार्ट ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है बट इसमें दिया है कैन नॉट बी चेंज, तो ए तो इसमें आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा इसमें ऑप्शन है डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंटेशन डिजाइन बट कैन बी चेंज इन पावर पॉइंट, आप प्रेजेंटेशन डिजाइन से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं उस डिजाइन को और उसको चेंज भी कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। सी इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द टैक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड है? अमाउंट
ऑन द टैग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये भी सही है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की है वो टैग्स के ऊपर डिपेंड करती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसके वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टैग्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंटेशन की जो डिजाइन है वो डिटरमाइन हो सकती है और वो चेंज भी हो सकती है, और साथ ही साथ वो जो चार्ट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे। तो ऑप्शन बी एंड सी, डी ऑप्शन है बी एंड सी, तो बोथ आर द राइट इन दिस केस। इन दोनों केस में बोथ क्वेश्चन बोथ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो राइट है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बी और सी दोनों ही राइट है, तो बी और सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट पेज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड। कौन सा डिफॉल्ट पेज सेटअप होता है ओरिएंटेशन स्लाइड के अंदर? जब भी कोई स्लाइड होती है तो उसका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? क्वेश्चन है कि क्या डिफॉल्ट पेज सेटअप होता है ओरिएंटेशन का, किसी भी स्लाइड के ओरिएंटेशन का। तो वह हमें पता है कि किसी भी जो स्लाइड होती है उसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो बेसिकली लैंडस्केप होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन जो आप देखते हैं वो बेसिकली लैंडस्केप में ही आती है। ये मैंने आपको बताया था कि आपके जो पावर पॉइंट होता है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों इसमें होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर वो लैंडस्केप होता है। तो बाय डिफॉल्ट पेज सेटअप जो होता है वो लैंडस्केप होता है। तो जो बी इसके अंदर आंसर होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा कि बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट है वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड टू प्ले कंटिन्यूअस। वांट ए पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूअस। जो क्या शो कर रहा है, कंटिन्यू प्ले कर रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यूज रेंडम स्लाइड ट्रांजेक्शन, लॉन्च एन ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट, लूप कंटिन्यूअसली ऑल ऑफ अब। क्वेश्चन है कि आप पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड है उसको शो करना चाहते हो प्ले कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली उसको प्ले करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है कि हमें ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन पावर पॉइंट स्लाइड के लिए हमें ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो स्लाइड से भी उसको प्ले कर सकते हैं, तो बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लूप कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि लूप कंटिन्यू आप जब चाहो जब उसको ब्रेक कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, तो लूप कंटिन्यूअस भी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपके पास में ऑप्शन बचता है ए और डी। तो डी तो वैसे ऑप्शन नहीं है कि जब दो ऑप्शंस गलत हो गए तो ऑल ऑफ द अबो, तो वैसे ही यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है यूज ए रेंडम स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो आप कोई सी भी रेंडम स्लाइड ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो, और जैसे आपने ट्रांजेक्शन यूज किया तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, किसी भी रेंडम स्लाइड पे जब भी हम ट्रांजेक्शन यूज करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली क्या होने लग जाएगी, प्ले होने लग जाएगी, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्ले हो जाएगा आपका। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपका जो ए ऑप्शन है वो इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर से क्या डिफाइंड होता है? पहला स्लाइड फॉर्मेशन, ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट, हैंड आउट कंटेंट फॉर्मेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपोर्ट, ऑल ऑफ अबव। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, स्लाइड फॉर्मेटिंग, हैंड आउट मास्टर से स्लाइड फॉर्मेटिंग नहीं होता है, वो मास्टर स्लाइड मास्टर से, वो जो आपका होता है वो मास्टर स्लाइड से होता है, तो ए यहाँ पे ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन है ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट, और सी ऑप्शन है हैंड आउट कंटेंट फॉर्मेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपोर्ट। अब जो सी इसमें दे रखा है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यदि कोई भी दे रखा है तो वो वैसे भी आपके लिए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट की। तो सी और ए और सी इसमें करेक्ट आंसर नहीं होंगे, डी ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ अब, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीनों ऑप्शन इसमें क्रॉस हो चुके हैं, तो ऑप्शन बी ही आपके पास बचता है और वही राइट आंसर होगा, ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स। कि हैंड आउट मास्टर किससे डिफाइंड होता है, आपको ऑडियंस हैंड आउट नोट से हम हैंड आउट मास्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हैंड आउट मास्टर की जो डेफिनेशन है दैट इज ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इसके लिए राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अनेबल यू टू एड टेक्स्ट टू स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। इनमें से कौन सा आपको अलाउ करता है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, अनेबल टू एड टेक्स्ट टू ए स्लाइड।
किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेस टूल बार, कोई भी प्लेस टूल बार प्लेस होल्डर को यूज किए बिना आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे होगा। तो जैसा कि दिया हुआ है कि हमें ऐड करना है टेक्स्ट स्लाइड में, हमें क्या ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है बिना प्लेस होल्डर के, बिना यूजिंग के, तो ऑप्शन है टेक्स्ट टूल बॉक्स, लाइन टूल, ड्रॉइंग टूल, ऑटोशेप टूल। जब सिंपल सा है क्वेश्चन कि जब आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट टूल बॉक्स का यूज करेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए टेक्स्ट टूल का ही यूज करेंगे। तो टेक्स्ट टूल ही आपका करेक्ट आंसर होगा, टेक्स्ट टूल बॉक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो टेक्स्ट टूल बॉक्स ही आपका इसके लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि लाइन टूल आपको लाइन रिक्वायरमेंट के लिए होगा, ड्रॉइंग टूल ड्रॉइंग बनाने के लिए यूज होगा, ऑटोशेप ऑटोशेप के लिए यूज होगा। तो और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, जो ऑप्शन है करेक्ट वो होगा ए पार्ट। क्या होगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नोट्स मास्टर व्यू हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट फॉर ऑल द नोट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन। आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं फॉन्ट साइज को किसी भी टेक्स्ट के, सभी नोट्स के लिए जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर है। दैट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन ये है कि जो फॉन्ट साइज किसी भी टेक्स्ट की, जो फॉन्ट साइज आपको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सभी नोट्स के लिए जो प्रेजेंटेशन में है आपके। मॉडिफाई द स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन से हम पूरी कंप्लीट डिजाइन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन है कि फॉन्ट साइज आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। हमें क्या मॉडिफाई करना है, ओनली फॉन्ट साइज मॉडिफाई करना है। तो इस वजह से ए आपका आंसर नहीं हो सकता। मॉडिफाई द, बी ऑप्शन है मॉडिफाई द नोट मास्टर लेआउट। मास्टर लेआउट का नोट मॉडिफाई करेंगे तो कंप्लीट जो लेआउट है वो मॉडिफाई होगा, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर। जब हम बात कर रहे हैं किसी फॉन्ट की, तो फॉन्ट की जब भी बात करेंगे तो फॉन्ट किसका होगा, किसी न किसी टेक्स्ट का आपका फॉन्ट होगा। तो यहाँ पे मॉडिफाई द टेक्स्ट, मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर, यदि आप टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हो, जो भी बॉडी प्लेस होल्डर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको आप मॉडिफाई करते हो, तो आपकी फॉन्ट साइज क्या हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। तो सभी के लिए नोट्स के लिए जो फॉन्ट साइज मॉडिफाई होगी उसके लिए आपको क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक्स्ट मॉडिफाई करना होगा। तो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। उसके लिए क्या राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सी जो ऑप्शन है वो आपका इसके लिए राइट आंसर है, क्योंकि आप टेक्स्ट को इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वॉन्ट योर लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन द, कि आपकी जो सेम पोजिशन पे, हर एक स्लाइड की सेम पोजिशन पे ऑटोमेटिकली आपका लोगो आ जाए। किस वजह से लोगो आएगा, पहला हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और उसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो सेम पोजिशन पे, पोजिशन वही होनी चाहिए हर एक स्लाइड की जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका लोगो इंसर्ट होता जाए। तो हमें जैसे पता है कि जब भी ऑटोमेटिकली एवरी स्लाइड पे जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा, जब स्लाइड मास्टर आप यूज करोगे तो स्लाइड मास्टर पे जो भी आपने एक फिक्स लोगो एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया है, तो जो मास्टर स्लाइड होगी उसी के अकॉर्डिंग आप न्यू स्लाइड्स बनाते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली उस वही मास्टर स्लाइड कॉपी होती जाएगी आपकी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लाइड आप यूज कर रहे हो कैसी होनी चाहिए, मास्टर स्लाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे है ऑप्शन नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, ऑल ऑफ दी बो। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, स्लाइड मास्टर हम यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर यूज करेंगे किसी भी स्लाइड के अंदर जो आपको ऑटोमेटिकली लोगो सेम पोजीशन पे प्रिंट होए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर। क्या यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सीटिंग ट्रांजेक्शंस इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू, इनमें से कौन सा फॉलोइंग व्यू बेस्ट व्यू है टू यूज व्हेन सीटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड प्रेजेंटेशन। सारी प्रेजेंटेशन के अंदर, सभी प्रेजेंटेशन के अंदर, सभी स्लाइड्स के अंदर, किसी भी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के अंदर जो सीटिंग ट्रांजिशन है वो बेस्ट व्यू होना चाहिए। किससे होगा वो, आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू से,
नॉर्थ पेज व्यू से, स्लाइड व्यू से और आउटलाइन व्यू से, ये चार आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब जब आपको बेस्ट व्यू देखना होता है और ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग देखना होता है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी आपको प्रेजेंट होते रहे, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं, हमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्लाइड शॉर्टर व्यू जो कंटिन्यूसली चलता रहता है आपका, वो यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आपको बेस्ट व्यू देखना है उसका। नॉर्थ पेज व्यू देखेंगे तो हमें खाली उसके नोट्स दिखेंगे, स्लाइड व्यू के अंदर स्लाइड्स का व्यू आएगा, पर बेस्ट व्यू जो आएगा वो आपका किससे आएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू से आएगा। आप उसके ट्रांजेक्शन के अंदर इफेक्ट देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन से वो जो स्लाइड आएगी वो किसके थ्रू आएगी, स्लाइड शॉर्टर व्यू के थ्रू आएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड्स। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं, वह ऑब्जेक्ट क्या होंगे, प्लेस होल्डर होंगे, ऑब्जेक्ट होल्डर होंगे, फोटो लेआउट होगा या टेक्स्ट होल्डर होंगे। ये चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। तो ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करता है वो बेसिकली क्या होता है, हम दिखा था अभी भी, पहले भी हमारे कई सारे क्वेश्चन आए हैं इसी तरीके के, कि टेक्स्ट जो होता है वो प्लेस होल्डर में होता है आपका, किसमें होता है, प्लेस होल्डर में रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट को होल्ड कर रहा है वो कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट किस पे होगा, वो आपका होगा प्लेस होल्डर पे, किस पे होगा, प्लेस होल्डर पे। तो ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इसके लिए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर नॉट विद द मिनिएचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड पेज। इसमें से कौन सा फीचर है जो प्रोवाइड करता है ए मीन ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर, प्रिंटिंग आउट फीचर नोट्स का कौन सा फीचर इसमें से आपको प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम प्रिंटिंग आउट की बात करते हैं, जब भी हम प्रिंटिंग आउट व्यू की बात करते हैं, प्रिंटिंग आउट फीचर की बात करते हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शंस यूज होता है वो होता है आपका हैंडआउट। कौन सा यूज करता है, हैंडआउट। तो ऑप्शंस है स्लाइड विथ एनिमेशन, एनिमेशन में आप प्रिंटिंग का यूज नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से वैसे ही ये फर्स्ट वाला आंसर जो होगा आपका वो रॉन्ग होगा। आउटलाइन व्यू में भी आपको प्रिंटिंग फीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे, नोट्स पेज में भी आपको ओनली नोट्स विजिबल होगा। तो ऑडियंस हैंडआउट जो फीचर्स होता है, जो कि आपको क्या करता है, आपकी जो स्लाइड का है वो प्रिंटेड पेजेस दिखाता है, प्रिंटिंग फीचर आपको दिखाता है। तो ऑडियंस हैंडआउट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या राइट आंसर होगा इसका, ऑडियंस हैंडआउट। क्या राइट आंसर होगा, ऑडियंस हैंडआउट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। कौन सी कमांड आपकी जो है वो फर्स्ट स्लाइड लेके आएगी इन योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन में कौन सी फर्स्ट स्लाइड आएगी इसके अंदर। मतलब क्वेश्चन है कि कौन सी कमांड के थ्रू आप, यदि आप फिफ्थ या फोर्थ पोजीशन कोई सी भी स्लाइड पे हो, किस कमांड का यूज करते हो आप डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पे आओगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड टू इन योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन में वो आपको फर्स्ट स्लाइड पे कौन सी कमांड लेके आएगी। ऑप्शन है नेक्स्ट स्लाइड बटन, नेक्स्ट स्लाइड बटन आपको कहाँ लेके जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे नहीं लेके आएगी। पेजअप, पेजअप भी आपको कहीं मूव नहीं कराएगा, आप करेगा कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस होम जो की होती है वो चाहे से आपकी पावर पॉइंट पे हो, चाहे आपकी वर्ड के अंदर हो, वो आपको स्टार्टिंग पे लेके चल जाती है। तो टेप फर्स्ट स्लाइड पे आपको मूव कराएगी कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस ऑन की यदि आप प्रेस करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिक की कहाँ मूव ले जाएगी, आपको फर्स्ट स्लाइड पे मूव करा देगी। कंट्रोल प्लस एंड आपको लास्ट स्लाइड पे मूव कराएगी और कंट्रोल प्लस होम आपको फर्स्ट स्लाइड पे मूव कराएगी। तो दैट्स व्हाई द यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका आएगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल व्यू How can you quickly change the handout master view? आप कैसे quickly change कर सकते हो handout master view को? Normal view से आप quickly handout master view कैसे change कर सकते हैं? Option है
क्लिक द आउटलाइन टैब एंड सेलेक्ट द हैंडआउट मास्टर व्यू, प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक द हैंडआउट मास्टर व्यू बटन, ऑन द व्यू मेन्यू क्लिक स्लाइड सॉर्टर एंड क्लिक हैंडआउट्स एंड ऑल ऑफ अबोव। फोर ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और आपको नॉर्मल व्यू से चेंज होना है किसके अंदर, हैंडआउट मास्टर व्यू के अंदर। किसमें चेंज करना है, हैंडआउट मास्टर व्यू के अंदर चेंज करना है। तो हैंडआउट मास्टर व्यू में जब चेंज करना है क्विकली, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि आप कैसे करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस कीजिए एंड क्लिक द हैंडआउट मास्टर व्यू बटन। आप जैसे ही शिफ्ट की को प्रेस करके हैंडआउट मास्टर व्यू पे बटन क्लिक करोगे तो आप क्विकली चेंज जाओगे किस पे, हैंडआउट मास्टर व्यू पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या राइट आंसर होगा, बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्विकली रीस्टेट अ डिलीटेड फुटर प्लेस होल्डर इन मास्टर व्यू। आप कैसे रीइंस्टेट कर सकते हो डिलीटेड फुटर प्लेस होल्डर को, एक जो डिलीट कर चुका है फुटर प्लेस होल्डर मास्टर व्यू के अंदर, क्विकली कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं उसको, उसको वापस से कैसे ला सकते हैं, उसी रीइंस्टेट एज में कैसे लाए उसको मास्टर व्यू के अंदर। तो ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू स्लाइड मास्टर, वापस से लाने के लिए हमें मास्टर स्लाइड को क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑप्शन है री अप्लाई द फुटर प्लेस होल्डर एंड री अप्लाई द स्लाइड लेआउट और ऑल ऑफ देम। जब हमें फुटर प्लेस होल्डर को ही वापस से री इंस्टेट करना है तो दैट्स मीन हमें क्या करना होगा, री अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना होगा, री अप्लाई। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आएगा आपका बी, क्योंकि आप री अप्लाई कर दीजिए फुटर प्लेस होल्डर को। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी और डी आपका होगा री इसके अंदर। तो ऑप्शन जो बचता है वो आपके पास बचता है बी, कि बी इज द री अप्लाई फुटर प्लेस होल्डर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। आप क्या यूज करोगे इसमें टाइम एड करने के लिए, एड टाइम्स टू द स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर टाइम एड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, स्लाइड शो मेन्यू। तो टाइम एड करने के लिए स्लाइड शो मेन्यू आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो आपको शो को करंटली वर्क करेगा। तो स्लाइड शो मेन्यू यहाँ पे नहीं होगा। रियर्स टाइमिंग बटन, तो रियर्स टाइमिंग बटन ही आपका यूज किया जाता है टाइम एड करने के लिए। किसी भी कोई भी जो स्लाइड के अंदर टाइमिंग का जो भी वर्क होगा वो किसके थ्रू होगा, रियर्स टाइमिंग बटन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, रियर्स टाइमिंग बटन के थ्रू। तो बी इज द राइट आंसर इसके लिए। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा रियर्स टाइमिंग बटन। रियर्स टाइमिंग बटन से आप क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर, किसी भी स्लाइड के अंदर टाइम एड कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। किस तरीके से हमें सभी बॉक्सेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर, यदि सभी बॉक्सेस को सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। क्लिकिंग एंड एडिट द सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिकिंग, राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड एंड देन सेलेक्ट ऑल, प्रेस द होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स एंड ऑल ऑफ अ बॉक्स। सभी बॉक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर, आपको सभी बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं। तो क्या ऑप्शन है, क्लिकिंग एंड एडिट एंड सेलेक्ट ऑल पहला ऑप्शन, दूसरा राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड एंड देन क्लिक सेलेक्ट ऑल, प्रेस ऑल द शिफ्ट की एंड द क्लिक ईच बॉक्स एंड ऑल ऑफ अबो। तो हमें सेलेक्ट करने के लिए हम ये चारों ऑप्शन से यूज कर सकते हैं, कि क्योंकि आपने देखा है कि यदि आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हो, सभी बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है, ऑल द बॉक्सेस बोला है, ऑल द बॉक्सेस में बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी कंटेंट है उसको कंप्लीट सेलेक्ट करना है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये सारी की सारे ऑप्शन उसके लिए राइट है, क्योंकि आप शिफ्ट की के साथ भी हर एक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड राइट क्लिक करके चार्ट बैकग्राउंड क्लिक सेलेक्ट ऑल से भी उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है, डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। आप डी के लिए ही करेक्ट आंसर यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ अबो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो। आप क्या शो कर सकते हैं, यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाई
कैसे शॉर्टकट मेन्यू के अंदर इसमें शो होगा आपका शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो। क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, क्लिकिंग एन आइकन ऑन द करंट स्लाइड ए एंड बी। यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर हम शॉर्टकट मेन्यू कैसे शो कर सकते हैं? ऑप्शन है क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार और राइट क्लिक ऑन द करंट स्लाइड। यदि हम किसी भी जो स्लाइड है उस पर राइट क्लिक करेंगे करंट स्लाइड पे, तो भी हमें शॉर्टकट मेन्यू वहां पे ओपन हो जाता है, और फॉर्मेटिंग टूल बार से भी करेंगे तो भी हमें शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और क्लिकिंग एन आइकन ऑन द करंट स्लाइड, आइकन पे क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू कभी भी आपका ओपन नहीं होगा। तो दैट्स मीन तो डी इसमें राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके इसके लिए क्या है, करेक्ट है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी क्या होगा, राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑटो क्लिप आर्ट इज फीचर दैट, ऑटो क्लिप आर्ट किस टाइप का आपका फीचर है जो किस लिए यूज किया जाता है? ऑटोमेटिकली प्लेस क्लिप आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन, सीन्स योर प्रेजेंटेशन फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग इन योर वर्ड टू ई स्लाइड, सीन्स योर प्रेजेंटेशन फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग इन वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबव। तो ऑटो क्लिप आर्ट जो फीचर है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? ऑटो क्लिप आर्ट फीचर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके वर्किंग होंगे, ये सारे ऑप्शन वहां पे काम करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली क्लिप आर्ट से प्रेजेंटेशन में आप इंसर्ट कर सकते हो, आपकी जो भी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स वर्ड्स है उनको आप इस स्लाइड के अंदर स्कैन कर सकते हो, इसी के साथ आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अब इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑल ऑफ अबो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एडिट द टेक्स्ट विद इन द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यू। टू एडिट द टेक्स्ट, हमें क्या एडिट करना है, टेक्स्ट एडिट करना है विद इन द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर हमें क्या एडिट करना है, टेक्स्ट एडिट करना है। तो क्या ऑप्शन होगा, सेलेक्ट द बॉक्स एंड टेक्स्ट देन मेक चेंजेस, सेलेक्ट द बॉक्स एंड देन मेक द चेंजेस, हाईलाइट द टेक्स्ट देन मेक चेंजेस, ए एंड बी। तो देखिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिट करना है विद इन द बॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स और के बाद में टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि आपको हाईलाइट द टेक्स्ट देन मेक चेंजेस, यदि टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे तो उसमें चेंजेस करने का कहाँ रिक्वायरमेंट होगा, तो आपका सही आंसर होगा नहीं, सेलेक्ट द बॉक्स देन मेक चेंजेस। अब दोनों ऑप्शन ए और बी यहाँ पे रहते हैं कि क्या करना है आपको, या तो बॉक्स सेलेक्ट करिए और फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस करें, या बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद में हम उसमें क्या कर सकते हैं, मेक द चेंजेस। इन दोनों में से एक राइट आंसर आपका होगा। तो जैसे हमें पता है कि हमें को एडिट करना है, टेक्स्ट एडिट करना है, तो इस वजह से हमें पहले बॉक्स सेलेक्ट करके टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस करने होंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होता है वो होता है फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होता है वो सही कौन सा होता है, फर्स्ट। तो ए इज द राइट आंसर, इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसके लिए राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। आपको एक से ज्यादा स्लाइड सेलेक्ट करनी है तो कौन सा इसमें ऑप्शन यूज होगा, ऑल्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। ऑल्ट के साथ हम क्या नहीं कर सकते, मोर देन वन स्लाइड यूज नहीं कर सकते, तो ऑल्ट आपका होगा नहीं। शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड और कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। अब क्वेश्चन है कि अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, आपको मोर देन स्लाइड सेलेक्ट करनी है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, तो क्या किसका यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक साथ हम यदि मोर देन वन स्लाइड प्रेजेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें कंट्रोल प्लस क्लिक ई स्लाइड्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा एक से ज्यादा को स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। हम जब कंट्रोल बटन करके फिर ईच स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि शिफ्ट प्लस आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पे सेलेक्ट करोगे तो सारी सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो शिफ्ट के साथ हमें आपको हर एक स्लाइड पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमें ईच स्लाइड पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट होती है।
इस वजह से इसमें जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड, हमें कंट्रोल के साथ हर एक स्लाइड पे क्लिक करना होगा। द व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड ऑन ए प्रेजेंटेशन एज ए मेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड द व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड। ऐसा व्यू जो डिस्प्ले द स्लाइड ऑन प्रेजेंटेशन, आपको जो प्रेजेंटेशन पे वो व्यू करता है तो वो स्लाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं। स्लाइड ऑन ए प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन पे जो स्लाइड प्रेजेंट हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, उसको क्या कहेंगे, स्लाइड शो बोलेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलेंगे, नोट पेज बोलेंगे, आउटलाइन व्यू बोलेंगे। तो यहां पे जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्लाइड्स को, तो एक रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या यूज करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। प्रेजेंटेशन करने, किसी भी प्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो व्यू होगा आपका वो होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। क्या डिस्प्ले होगा, ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट शीट्स, किसमें होगा, स्लाइड शो के अंदर, स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर, नोट पेज के अंदर, आउटलाइन व्यू के अंदर। आपको क्या डिस्प्ले करना है, द पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट टाइल्स एंड बुलेट आपको डिस्प्ले करने हैं। तो टाइल्स और बुलेट इनमें से किन में डिस्प्ले होगा, स्लाइड शो के अंदर होगा। तो स्लाइड शो में तो आपकी सारी स्लाइड शो होगी, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा है स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब स्लाइड शॉर्टर व्यू की जब हम बात करते हैं तो भी स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट जो स्लाइड है उसके बारे में वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वजह से बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नोट पेज व्यू आपके नोट्स को शो करेगा। आउटलाइन व्यू आपको डिस्प्ले करेगा ओनली टाइटल एंड बुलेट्स, किसी भी स्लाइड की जो टाइटल्स है और जो बुलेट्स है वो किसके थ्रू शो होंगे, आउटलाइन व्यू के थ्रू। किसके थ्रू शो होंगे, आउटलाइन व्यू के थ्रू। तो इसका मतलब जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 25 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन राइट होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री फैक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस अनादर इन ए शो इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो एंट्री इफेक्ट है, किसी भी एक स्लाइड की जो एंट्री इफेक्ट है, रिप्लेस अनादर शो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन और प्रेजेंट प्रीसेट एनिमेशन। ये चार ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एंट्री इफेक्ट जो होती है, किसी भी स्लाइड की जो एंट्री इफेक्ट होती है, रिप्लेस अनादर इन ए शो, जो दूसरे शो के अंदर उसको रिप्लेस कर रही है, वो कैसे होगी, वो आपकी होगी इसके अंदर, वो आपकी इसमें होगी स्लाइड ट्रांजेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होगी, स्लाइड ट्रांजेक्शन के थ्रू, क्योंकि स्लाइड ट्रांजेक्शन से क्या होगा, स्लाइड का जब ट्रांजेक्शन होगा आपका, उसी से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मूव कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को मूव कराएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, स्लाइड ट्रांजेक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। एनिमेशन आप यूज नहीं कर सकते, कस्टम एनिमेशन आप यूज नहीं कर सकते, प्रीसेट एनिमेशन आप यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो स्लाइड ट्रांजेक्शन के थ्रू ही आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट कैन यू मॉडिफाई यूजिंग द स्लाइड मास्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा आप मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग स्लाइड मास्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट कैन यू मॉडिफाई, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं आप, स्लाइड कमेंट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्पीकर नोट, फॉन्ट कलर एंड ऑल ऑफ अबोव। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हम सभी चीजें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग स्लाइड मास्टर। आप कमेंट यूजिंग स्लाइड मास्टर, ऑप्शन है आपका यूजिंग स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर की हेल्प से आप इसमें से क्या 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 कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो पहले जैसा कि एक्चुअल में मैं पहले सोच रहा था यहाँ पे मॉडिफाई करना है हमें स्लाइड को, बट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्लाइड मास्टर को से मॉडिफाई करना है आपको। स्लाइड मास्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लाइड मास्टर का मतलब होता है जो भी आप अप्लाई करोगे वो सारी की सारी सभी स्लाइड पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्लाइड कमेंट, आप यदि किसी स्लाइड पे कमेंट करना चाहते हो तो वो स्लाइड मास्टर के थ्रू करोगे तो वो सारी स्लाइड्स पे कमेंट हो जाएगा।
तो दैट्स मीन ये तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारी स्लाइड्स पे हमें क्या नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए। सी ऑप्शन है स्पीकर नोट एंड फॉन्ट एंड कलर। यदि आप कोई सा भी स्पीकर नोट फॉन्ट और कलर चेंज करते हो तो वो सारे के सारे में चेंजेज होगा, तो ये भी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है। तो स्लाइड मास्टर से हम यदि स्लाइड ट्रांजिशंस को मॉडिफाई करते हैं, स्लाइड का जो ट्रांजिशंस है उसको मॉडिफाई करते हैं, तो सभी स्लाइड में इक्वली मॉडिफाई होगा और वो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, तो ये इजीली रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस वजह से इसमें जो ऑप्शंस होगा वो स्लाइड ट्रांजिशंस होगा कि स्लाइड ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर की हेल्प से हम उसको एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रिंट कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रिंट कॉपी कौन प्रोवाइड करवाएगा। ये जस्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा पहले भी देखा था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है कि प्रिंटेड कॉपी के लिए हमें पता है कि हम ऑडियंस हैंडआउट ही यूज करते हैं, हैंडआउट के थ्रू ही हम प्रिंटेड कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो होता है ऑडियंस हैंडआउट। क्या होगा, ऑडियंस हैंडआउट। तो प्रिंटेड के लिए पावर पॉइंट के अंदर जो भी आप यूज करोगे प्रिंटेड कॉपी के लिए या प्रिंट करने के लिए, जहां कहीं भी प्रिंटेड आपके सामने यूज हो रहा है, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हैंडआउट, ऑडियंस हैंडआउट। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑडियंस हैंडआउट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो द ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्लाइड शो ऑप्शन, स्लाइड शो ऑप्शन जो अवेलेबल होता है इनमें से इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, उसके अंदर क्या एक्सेप्ट नहीं होता है, ट्रांजिस्टेंस कमांड। स्लाइड शो के अंदर ट्रांजिशन कमांड्स आपकी अवेलेबल रहती है, आप उसको ट्रांजिस्ट कर कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी आप में उसमें रहेगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं, इंक्लूड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इस क्वेश्चन के अलावा, स्पीकर नोट कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड और नेगेशन कमांड। इन चारों कमांड में से कौन सा कमांड हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आप इंक्लूड कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पे जो है स्पीकर नोट कमांड, मास्टर रिमाइंडर कमांड और नेगेशन कमांड ये इंक्लूड नहीं कर सकते, ट्रांजिशन कमांड आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 29 में ए होगा, ट्रांजिशन कमांड हम यूज इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे शो करने के लिए, तो ए इज द राइट आंसर। इसके लिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा आपका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड द लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग, आप किसको फॉर्मेटिंग कर रहे हो, रेगुलेटिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आप रेगुलेटिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हो एक लेआउट के लिए किसी भी स्लाइड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। तो फिक्स फॉर्मेटिंग की जब भी हम बात करते हैं आपका कि रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड द लेआउट ऑफ द स्लाइड, किसी भी स्लाइड का जो लेआउट है फॉर्मेटिंग जो है वो कैसे उसको क्या कहेंगे हम, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो है वो होगी आपका बी राइट आंसर होगा कि टेम्पलेट हम यूज करते हैं किसी भी जो डिजाइन के लिए है उसको रेगुलेट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स और एन एंटायर प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा बाईपास करता है, कौन सा बाईपास करता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड, जब भी आप कोई भी इंडिविजुअल स्लाइड प्रिंट करते हो एंटायर प्रेजेंटेशन पे, तो कौन सा इसमें से आपको बाईपास, डायलॉग बॉक्स बाईपास करेगा, फाइल, प्रिंट प्रीव्यू, द प्रिंट बटन, फाइल प्रिंट और कंट्रोल प्रिंट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड और एंटायर प्रेजेंटेशन। आपको यदि इंडिविजुअल स्लाइड प्रिंट करानी है या एंटायर पूरी प्रेजेंटेशन प्रिंट करानी है, तो कौन सा इसमें से जो डायलॉग बॉक्स को बाईपास करेगा, तो सिंपल सा जो प्रिंट बटन होता है आपके जो मशीन पे प्रिंट पे या डेस्कटॉप पे या यहीं पे भी कीबोर्ड पे जो प्रिंट बटन होता है आप उसको प्रेस करोगे तो वो बाईपास कर देगा डायलॉग बॉक्स पे। तो क्योंकि कंट्रोल पी आपको फाइल प्रिंट और फाइल प्रिंट प्रीव्यू सब डायलॉग बॉक्स से बाईपास करवाएंगे, बट जो बाईपास डायलॉग बॉक्स को बाईपास करेगा वो ऑप्शन होता है प्रिंट बटन। वो क्या होता है, प्रिंट बटन, यहाँ से वो डायरेक्ट प्रिंट बटन हो जाएगा, प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपका बी ऑप्शन है
वो राइट आंसर है प्रिंट बटन का आप यूज करेंगे आपके डायलॉग बॉक्स को बाईपास करने के लिए। टू एड ए हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ऑल ऑफ अबव। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एड हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट, आपके हैंडआउट पे हेडर और फुटर ऐड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, हैंडआउट मास्टर यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर यूज करेंगे, टाइटल मास्टर यूज करेंगे, ऑल ऑफ अबव। तो जब हम बात करते हैं हैंडआउट की तो हेडर और फुटर को इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैंडआउट मास्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैंडआउट मास्टर यूज करेंगे। तो दैट्स मीन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या आंसर होगा, राइट सी। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू, एस्केप की, स्पेस बार की, एंटर की और माउस बटन। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो क्या कह रहा है, विच नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू, स्पेस बार, टाइटल की और माउस बटन, विल नॉट एडवांस इन द स्लाइड। अब जब हम विल नॉट एडवांस की जब भी बात करेंगे तो एस्केप की यहाँ पे यूज होती है आपकी, इसके लिए जो क्यों यूज होगी वो होगी आपकी एस्केप की। क्या यूज होगी, एस्केप की। तो 33 के अंदर जो राइट आंसर आता है वो आपका आता है ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए पार्ट। व्हाट आर लाइंस, कर्व, फ्रीडम एंड स्क्रैबल, एम्फसाइज इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू एनिमेशन, टाइप ऑफ कस्टम मोशन पाथ, प्री डिफाइंड एंट्रेंस एंड एग्जिट इफेक्ट, ऑल ऑफ अबव। अब देखिए कि लाइंस, कर्व और फ्री फॉर्म और स्क्रैबल है वो क्या इफेक्ट करते हैं आपकी किसी भी स्लाइड पे। तो यहाँ पे कर्व, फ्रीडम और स्क्रैबल आपकी क्या करते हैं, एक तरीके से मोशन, कस्टमाइज मोशन पाथ है। किसका टाइप है, कस्टमाइज मोशन पाथ का टाइप। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, क्योंकि आपका ना तो प्री डिफाइंड एंट्रेंस और एग्जिस्ट हो सकता है, एंट्रेंस और एग्जिस्ट पे नहीं अवेलेबल होता है आपका कर्व, और आपका जो फ्री फॉर्म है, लाइंस है, वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एंट्रेंस और एग्जिस्ट तो इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ भी ये एक तरीके के कस्टम मोशन पाथ का टाइप है। तो 34 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स ऑन ए प्रेजेंटेशन कैन रिकॉर्ड हु रोट देम एंड व्हेन दे वर एड, व्हाट द ऑटोमेटिक वे इन पावर पॉइंट 2000, यूज ऑनलाइन कोलोबरेशन, यूज कमेंट, यूज नोट पेज, ऑल ऑफ अबव। अब हमें क्या करना है, कमेंट ऑन ए प्रेजेंटेशन कैन रिकॉर्ड, कोई सी भी रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर कमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, हु रोट देम जो कि अपने आप लिखे गए हैं, एंड व्हेन दे आर एडिड, व्हाट आर ऑटोमेटिक वे, जिसको ऑटोमेटिक ऐड करने का क्या वे होगा। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जब कमेंट्स की बात करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, कमेंट्स का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइट वो होगा आपका बी। क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका यूज कमेंट्स करना पड़ेगा आपको, तो बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 36 क्वेश्चन की तरफ। वेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले पावर पॉइंट शो फॉर प्रीविंग द शो, क्या ऑप्शन होने सकते हैं, वेन यूजिंग द पावर पॉइंट टू प्ले पावर पॉइंट शो फॉर प्रीविंग द शो, व्यू स्लाइड शोटर, व्यू स्लाइड शो और व्यू आउटलाइन। अब आपको पावर पॉइंट के अंदर शो प्ले करना है, क्या करना है, शो प्ले करना है, तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो ऑफकोर्स जब आपको यदि शो प्ले करना है, स्लाइड शो आपको चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यू और स्लाइड शो। व्यू और स्लाइड शो के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, आप शो देख सकते हो, एक पावर पॉइंट के अंदर शो को प्ले कर सकते हो, स्लाइड्स को प्ले कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो, व्यू और स्लाइड शो के थ्रू। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन यूज, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन,
सभी स्लाइड्स आपको वन स्क्रीन पे यूज करनी है, तो आप इसमें से क्या यूज करोगे? व्यू स्लाइड शॉर्टर, व्यू स्लाइड, व्यू मास्टर और व्यू स्लाइड शो। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सभी स्लाइड्स आपको यहाँ पे स्क्रीन करनी है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा? व्यू मास्टर, क्योंकि मास्टर क्या है आपका, यहाँ ऑप्शंस यूज कर रहे हैं कि सभी स्लाइड्स को एक साथ शो करेगा, ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड इन वन स्क्रीन। तो व्यू और स्लाइड शॉर्टर के थ्रू आपका नहीं होगा, स्लाइड व्यू और स्लाइड आप करोगे तो ओनली वन स्लाइड आपको शो होगी, तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास आता है वो ओनली बचता है व्यू मास्टर। व्यू मास्टर के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, सारे स्लाइड के स्क्रीन पे यूज कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है व्यू और मास्टर। व्यू मास्टर से आप उसको क्या कर सकते हो, ऑन स्क्रीन पे विजिबल करवा सकते हो। वॉट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेज फॉर योर पावर पॉइंट 2002 प्रेजेंटेशन? क्या बेस्ट वे है आपका कोई भी एनिमेटेड इमेज है उसको इंक्लूड करने का? बेस्ट प्लेस टू फाइंड, किससे आप जो बेस्ट प्लेस इमेज एनिमेटेड इमेज फाइंड कर सकते हो? पावर पॉइंट 2002 के अंदर, पावर पॉइंट 2000 की हम जब बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन का वहां ऑप्शन नहीं था। वर्ड क्लिप आर्ट, पावर पॉइंट टूल एंड इंसर्ट ऑल ऑफ बुक, तो पावर पॉइंट टूल्स भी आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास में जो सिंपल बचता है वो वर्ड क्लिप आर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट में आपको एनिमेटेड बहुत सारी इमेज रहती है, तो यहाँ पे ऑफलाइन वे से भी आप एनिमेटेड इमेजेस वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेस जो होता है फाइंड आउट करने का वो आपको होता है वर्ड क्लिप आर्ट। क्या होता है? वर्ड क्लिप आर्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सिटिंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन? कौन सा व्यू इसमें से बेस्ट व्यू है टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट, आपकी ट्रांजेक्शन इफेक्ट को यूज करने के लिए इन ए प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजेक्शन व्यू को इफेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट व्यू है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉट पेज व्यू, स्लाइड व्यू और आउटलाइन व्यू। तो स्लाइड व्यू ही आपका क्या करता है, बेस्ट व्यू होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का, किसी भी जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होंगे, किसी भी स्लाइड के जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स है जब आप स्लाइड शो में रिप्रेजेंट करोगे तभी वो आपको बेस्ट व्यू के अंदर विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड व्यू। क्या राइट आंसर होगा? स्लाइड व्यू। ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट ऑल द टेक्स्ट आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है। हमने ये देखा था कि जो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट होल्ड करता है वो क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। तो दैट्स मीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू गोट अ बंच ऑफ डिजिटल हॉलीडे फोटो, यू वॉन्ट टू पुट इन टू ए स्लाइड शो, वॉट इज क्विकली मेथड? आप क्या करना चाहते हैं, आपने एक बंच ऑफ डिजिटल हॉलीडे फोटोज आपके पास है और आप सबको एक ही स्लाइड में पुट करके, यू वांट टू पुट इनटू ए स्लाइड शो, आप उनको एक स्लाइड शो में पुट करना चाहते हैं, तो इसका क्विकली क्या मेथड होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने, अप्लाई मल्टीपल पिक्चर्स लेआउट टू सर्वर स्लाइड्स एंड यूज क्लिप आर्ट आइकन ऑन द स्लाइड टू इंपोर्ट योर पिक्चर, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है ऑन द इंसर्ट मेन्यू पॉइंट, इंसर्ट मेन्यू पॉइंट द पिक्चर, क्लिक फ्रॉम फाइल एंड सिलेक्ट योर पिक्चर्स इन ए ग्रुप ऑफ ईच स्लाइड। ऑन द इंसर्ट मेन्यू पॉइंट द पिक्चर एंड क्लिक न्यू फोटो एल्बम ऑल ऑफ अबव। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू पुट डिजिटल हॉलीडे जो फोटोज है आपको उसको स्लाइड शो के अंदर आप प्रिंट करना चाहते हैं, स्लाइड शो के अंदर आप उसको देखना चाहते हैं एक बंच है फोटो का, तो उसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल पिक्चर्स लेआउट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बंच बनाना चाह रहे हैं, बहुत सारे बंचेज का जो फोटो है उसको हम स्लाइड शो में देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो मल्टीपल पिक्चर्स का लेआउट यूज करना पड़ेगा और क्लिप आर्ट आइकन के थ्रू उसका क्या बनाना पड़ेगा, टू इम्पोर्ट योर पिक्चर, और क्लिप आर्ट आइकन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइड के थ्रू उसको इम्पोर्ट पिक्चर्स को जो भी है वो भी हमें क्या करनी होगी, इम्पोर्ट करनी होगी। तो यहाँ पे इसके लिए जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए ऑप्शन। वो क्या बनता है आपका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लाइन स्पेसिंग वे रेफर, लाइन स्पेसिंग किसको रेफर करती है? द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, द हाइट ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन एंड डी ए एंड सी बोथ।
तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइंस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में क्या स्पेस होगा। तो पहला इज द राइट स्पेस बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के टेक्स्ट की दो लाइंस के बीच में क्या स्पेस होगा, वो लाइन स्पेसिंग के थ्रू डिफाइंड होता है। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन, और जो लेंथ है लाइन की वो क्या होगी, वो भी आपकी किसके थ्रू डिफाइंड हो सकती है, आपकी लाइन स्पेसिंग से होगी। लाइन स्पेसिंग रेफर करती है दोनों चीज को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर फॉर ए एंड सी। ए और सी बोथ आर राइट फॉर दिस ऑप्शन, तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द स्पेलिंग एंड द ग्रामर फीचर टू इंडिकेट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, कौन सा फीचर हम यूज करते हैं आपके जो भी ग्रामर है या स्पेलिंग है उसको, इनकरेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करने के लिए। द इनकरेक्ट वर्ड अपियर इन द ऑल कैपिटल लेटर, नहीं, क्योंकि इनकरेक्ट ऑटोमेटिक कभी भी कैपिटल लेटर्स में अपियर नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका इसमें नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट वर्ड है जे वे रेड लाइन अंडर इट, तो हमें पता है कि जब भी कोई भी इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड होती है तो उसके अंडर हमेशा रेड लाइन आ जाती है, और ग्रामर के लिए हमें कोई भी यूज करते हैं उसके लिए ग्रीन लाइन आती है। तो यहाँ पे जो है रेड लाइन आ रही है, तो दैट्स मीन बी इज द राइट आंसर, इसके लिए क्या होगा, बी ही राइट आंसर होगा आपका। द इनकरेक्ट वर्ड अपियर इटैलिक, इटैलिक में भी नहीं रहता, बोल्ड भी नहीं होता, तो इनकरेक्ट वर्ड हमेशा किस में शो करता है, आपके रेड लाइन वहां पे शो कर देता है, इनकरेक्ट वर्ड के अंडर एक रेड लाइन आ जाती है। सो द बी इज द राइट आंसर, इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। We'll be right back.